शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब और ढोंग करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। चलो और उन लाशों पर खड़े होकर ऐलान करो कि तुम कातिल हो। मेरी माँ तो ऊपर है। हे बजरंग बली, आज हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। हमें शक्ति देना महाबली कि हम अपने इरादे में कामयाब हों। आपने दी उसी के मुताबिक मिस्टर साहब ने हमें भेजा है। इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन? मैंने कोई खबर नहीं दी और मैं तो इन सबको लेकर आने वाला था। अब आपको इन सबके सामने नाटक करने की क्या जरूरत है सर? आपका तो मिशन पूरा हो गया। इंस्पेक्टर बहुत हो गया, आपको जो कुछ कहना है कमिश्नर साहब से जाकर कहिए। मैं अपने आदमियों को लेकर जा रहा हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। खोलो बापू। ये क्या हो गया साबी? मैंने तो सोचा कि मैं अब और ढोंग करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। नहीं साबी, तुम्हारी कसम, तुम्हारे प्यार की कसम साबी। खबरदार जो मेरे प्यार का नाम लिया, तुमने प्यार नहीं धोखा दिया है। गद्दार खूनी, नफरत करती हूँ तुमसे। भगवान के लिए साबी, ये तो सोचो कि मैं सब सोच रही हूँ कृष्णा। ये भी सोच रही हूँ कि जिस गांव का रास्ता आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, वहाँ पुलिस कैसे पहुँच गई? किसने बताया था उनको रास्ता? कौन लाया था उन्हें यहाँ? बोलो, क्या ये लोग, इनकी लाशें यहाँ पड़ी है? क्या ये औरतें जो अपनी छाती पीट रही है? क्या ये बच्चे जो अनाथ हो गए हैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। कमिश्नर किशन, मैंने सुना था सर, सिर्फ सुना था कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बाजी जीतने के लिए अपने ही मोहरे पिटवा देते हैं।
मगर ऐसा खिलाड़ी पहली बार देखा है जो जिंदगी की शतरंज पर मौत की बाजी खेलता है। ये क्या बकवास कर रहे हो किशन? क्यों भेजी थी पुलिस? क्या तुम्हें यकीन नहीं था कि वो लोग खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे? ऐसी बातें कर रहे हो, चलो तुम मेरे साथ। भाई नहीं, तुम चलो मेरे साथ। किशन चलो और उन लाशों पर खड़े होकर ऐलान करो कि तुम कातिल हो। तुमने बेगुनाह और तो बच्चों और बूढ़ों की जान ली है। किशन कमॉन कमिश्नर, तुम कमॉन, तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा कमिश्नर। गोली मार दूंगा, हटाओ हटाओ, कोई सामने नहीं आएगा, मेरे कोई सामने नहीं आएगा। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम कृष्ण कुमार ने ही पुलिस कमिश्नर आनंद सरीन का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत मुलजिम कृष्ण कुमार को मुजरिम करार देते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मेरे खून नहीं किया जज साहब, मैं कसूर हूं, मैं यह साबित कर दूंगा मैं बेकसूर हूं। जज साहब राम राम सरदार। अरे रे रे रे, तुम्हें इस हाल में देख के कितना दुख हो रहा है सरदार। एक दिन वो था जब सारा गांव तुम्हारे पैर छूता था। राज, तुम्हारे तो पैर ही बेकार है बेचारा सरदार। अरे भगवान का शुक्र है जान तो बच गई। ये हाथ पैर तो इसलिए बेकार हो गए कि लकवा मार दिया है। और अब ये लकवा सारे गांव को मार डालेगा, इससे तो अच्छा होता ये बुड्ढा मर ही जाता। राम ज्यादा कुत्ता कुत्ता भी हूँ, हरामजादा भी हूँ, और भी बात कुछ हूँ, मगर तेरे उस प्रेमी की तरह गद्दार नहीं हूँ। किंजा, चाबी को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुरा जो भी होगा, तो जपा इसकी मर्जी से नहीं मंगल से, मेरे हुक्म से होगा, सरदार जिंदा के हुक्म से। ये कभी नहीं हो सकता। जब तक सरदार जिंदा है कोई दूसरा सरदार नहीं बन सकता। बात सब कान खोल कर सुन लो, इस गांव में वही रहेगा जो जिंदा को सरदार मानेगा। जिंदा, मैं तुझे सरदार नहीं मानूंगा। क्या कहा तूने? मैं तुझे सरदार नहीं मानूंगा। तब फिर तू जिंदा भी नहीं रहेगा। और कोई है इस गांव में जो मुझे सरदार नहीं मानता? है कोई? और प्यारे कामिले, तूने मेरे गोपाल को मार दिया। गाली देने की क्या जरूरत है? इस कमीने ने मुझे सरदार जो नहीं माना। बेशरम, तो के इसी दिन के लिए जन्म दिया था क्या तुम्हारे माने? मेरी माँ तो ऊपर है। जाओ ऊपर जाके पूछ ले उससे।
चिन्ना, ये क्या कर रहे हो सरदार? और तू बोल चिन्ना सरदार की जय। हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं और हमका सारा गांव बोलेगा। ये देखो बोलो जिंदा सरदार की जय। बोलो ना जय सरदार की जय। जिंदा सरदार जय। कमीने, अब इस बेचारी का क्या होगा? अरे हाँ, इसका इसका इलाज भी मेरे पास है। जिंदा, इंस्पेक्टर साहब, अब ये ठीक है, आप इसे जेल में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। सावी, सावी कहीं तू? हाँ बापू। नहीं, नहीं, इस घर में उस गद्दार का नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। सुन, उस साहब के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दे, नहीं तो मैं मार दूंगा। नहीं बापू, मैं कृष्णा के बच्चे को जन्म दूंगी। उसके पाप को जन्म देगी? हाँ बापू, मैं उसे जन्म दूंगी, उसे पालूंगी और उससे कसम लूंगी कि वो अपनी माँ के अपमान का बदला ले। राम झूठ ना बुलाए सरदार, इस बार तुम हमको भी शहर लेके चलो, तुम खुश हो जाओगे। शहर तू जाएगा और खुश हम हो जाएंगे। ये दो धारी खुशी है सरदार, काय हुआ तो दो नई नई चीजें लेकर आएंगे। एक उस्तरा लाएंगे तोरी गर्दन काटने के लिए, नहीं ये गर्दन के ऊपर जो दाढ़ी है वो काटने के लिए, और दूसरी छोकरिया लेकर आएंगे। काय जब से तुम सरदार बने हो कोई जसन वसन नहीं हुआ, मजा नहीं आ रही है। कोड़ा नाच तो हर दिन होता ही। मुंह की डिबे में उस्तरे जैसी जबान नहीं लाओ, नहीं तो गर्दन कट जाएगी। हाँ है ना सरदार, तो हम भी चले शहर। मधुरिया लाने के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, अपने गांव में भी तो है एक। वो हरीशा। सावी, क्या है ये न तू शहर से मधुरिया लाने को कह रहा है, फिर तेरे धंधे का क्या होगा? और सारा मी का तार से तो बुरा नहीं हूँ, जिसकी औलाद को 24 घंटे सीने से लगाए घूमती रहती हो। कहता हूँ मेरे नाम की चूड़ियाँ पहन ले, वरना विधवा की चूड़ियाँ की तरह फोड़ डालूंगा। किस सुअर के बच्चे ने मारा है? अरे चलो, अरे चलो, क्या हुआ सरदार? ही लगता सावी का बेटा बहुत हरामी, बिल्कुल अपने बाप पे गया। आ रहा रहा, टकला फोड़ दिया। देखो छोड़ो अनंत साले को। क्या रहे हो, मार रखा है, शहर नहीं जाने का? मार? हाँ शहर, शहर जाने की जल्दी नहीं होती तो माँ बेटा दोनों को देख ले। हम देख लेंगे। तुम पकड़ के रखेंगे, तुम जाओ, तुम बांध के रख दो उन सालों को। शहर अब कौन बचाएगा इस गांव को?
ए तू बहुत गर्म हो रहा था ना, अब देख मैं तुझे कैसे ठंडा करता हूँ। तो जिंदा सरदार तुम्हें मार डालेगा। तो ये जिंदा सरदार के आदमी है, तब तो इन्हें सिखाना पड़ेगा कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। बेटे अब गोली तुम चलाओ। मैं चला गोली? मुझे तो गोली चलाना नहीं आता। तुम्हें गोली चलाना नहीं आता? मैं सिखाता हूं। हिलना मत। गोलियां तो खत्म हो गई। हाँ बेटे, लगता है भगवान इन्हें आसान मौत नहीं देना चाहता। मेरे नाना जी के पास बहुत सी गोलियां हैं, मैं लेकर आऊं? अभी नहीं बेटे, अगर फिर कभी ये लोग तुम्हें सताएं तो नाना जी की सारी गोलियां इनकी छाती में उतार देना। चल बेटे। निशाना लगाता था, गोली मारता था, अब चला गोली। ये ले। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? रणवीर। नहीं नहीं राजू। रणवीर भी तो अच्छा नाम है। तुम कहाँ से आए हो? शहर से। तुम्हारे बापू का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हारे नाना जी का नाम? मंगल सिंह। तुम रुक क्यों गए? मेरी माँ का नाम कैसे मालूम? बेटे, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। कैसे हो दुनिया? तो
कृष्णा, कृष्णा तू आ गया, कृष्णा कृष्णा तू मेरे मुन्ने से मिलेगा, मुन्ना मुन्ना देख कृष्णा आया, कृष्णा मेरे मुन्ने से मिल, मुन्ना मुन्ना देख बेटे कृष्णा तुझसे मिलने को आया, कृष्णा मिल 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 मेरे मुन्ने से, ये मुट्ठी भर राखी मेरा मुन्ना है, हत्यारे पापी खूनी, मारना ही था तो बचाया क्यों, बचाया क्यों, बचाया क्यों मेरे मुन्ने को, बचाया क्यों। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सरदार, अलग हम थे जो तुम पर विश्वास किया। रुक जाओ सरदार, रुक जाओ, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ सरदार। दुश्मन के बच्चे खड़े खड़े मेरा मुंह देते हो। गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं, शिकार हूं तुम्हारी तरह। मुजरिम कोई और है, और जब तक मैं यह साबित नहीं कर दूंगा, मैं इसी गांव में रहूंगा, यही तुम्हारे सामने। गद्दार, गद्दार का बेटा, तू अपने गद्दार बाप के साथ क्यों नहीं जाता? ये भी गद्दार निकलेगा देखना। तुम्हारा बापू नहीं हूं बेटे, मैं किसी गद्दार का बेटा नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं बेटे। तुम झूठे हो, तुम मेरी मां को छोड़ के भाग गए थे, तुमने तुमने मेरे नाना जी के पैर तोड़े। बोलो क्यों तोड़े तुमने नाना जी के पैर, मां को छोड़ के क्यों गए थे तुम? लोग मां को गाली देते हैं, मुझे मारते हैं, कहते हैं इसका बाप गद्दार है। बस कर बेटे, बस कर। तुझे फायर करना सिखाया था, तू मार दे मुझे, सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दे, मुझे सजा दे बेटे, सजा दे, मैं किसी और का नहीं, तेरा मुजरिम हूं, तेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। कावल ने जितने तुझे पत्थर मारे उतनी गोलियां मेरे सीने में उतार दे।
मार दे मुझे, मार दे। कृष्णा यहां आया नहीं है, उसकी मौत उसे लाई है। ऐसे नहीं निकलेगा। बंदो! अपने दामाद को कहां छुपा रखा है मंगल सिंह? बोल, कहां छुपाए कुत्ते? यहां तो कोई और ही छुपाए। कहां छुपा के रखा है अपने कसम को? चला जाऊं ताकि तू उसे भगा दे। लगता है अपनी बहन की इज्जत करना किसी ने नहीं सिखाया तुझे। चल अब सारे गांव से माफी मांग। जैसे पापी को मिटाने के लिए खुद भगवान का आना जरूरी नहीं, उसका यह बंदा काफी है। बंदूक हाथ में लेके तो कोई भी भगवान बन जाता है। ठीक है, आज ये फैसला हो जाए। बहुत मार खा रहा है बापू। खाए दे तो है, पेट में काया का दर्द हो रहा है। अरे पर ये 10-15 जन्म का भूखा खाने की जगह मार खा रहा है। खाओ बेटा खाओ, देखो कतरा मजा ले रहा है। ये बिना धार का उस्तरा साला तलवार कैसे लग रहा? ये बहुत
बोतल पकड़ और देख अपने बाप का कमाल। अरे किसना भैया, और मारो साले को, और मारो हम सब तेरे साथ। अरे कहाँ पिलपिले कद्दू की तरह गिर रहा है, और मारो साले के, और दम लगा के, और शाबाश। चिंता सरदार की जय। बोल चिंता सरदार की जय। अब दिखा तेरी मर्दानगी, लूट मेरी इज्जत। भैया सात साल तक ये मुझे लूटता रहा, मुझे जानवरों की तरह नोचता रहा, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। इस गांव में किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने इसके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मगर अब कृष्णा आ गया है, मेरा भाई आ गया है। अब देखते हो तुझे कौन बचाता है। नहीं पद्मा, नहीं, नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूं। नहीं पद्मा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूं। इसे इतनी आसानी से नहीं मरना है, इसे तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब चुकाना है। और मैं तुम्हारी कसम खाता हूं बहना, ये हिसाब मैं इससे लेकर आऊंगा। हाँ किसने भैया, बंद इसे। देखा कैसे मामला फिट होएगा, ले पकड़ो, पीना नहीं है। शांति वो जिंदा क्यों हार गया? इसलिए कि वो सच्चाई के खिलाफ लड़ रहा था। सच्चाई के सामने कोई नहीं जीतता सावी, आज नहीं तो कल तुम्हारी नफरत को मेरे प्यार की सच्चाई के सामने हारना होगा। माँ, बापू बहादुर है ना? बेटी मौसी को अंदर ले जा, जा।